सोनभद्र में राजकीय धान क्रय केंद्र पर किसानों ने क्रय केंद्र पर पक्षपात और बार बार नियमों में बदलाव को लेकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि एक महीने में सरकार के द्वारा 3 बार नियमों को बदलने की वजह से 1 महीने से धान को लेकर क्रय केंद्र पर खड़े किसान आग बबूला हो गए और धरने पर बैठ गए। और किसानों के हंगामे की खबर जैसे ही एसडीएम को लगी, उन्होंने तत्काल सदर एसडीएम को क्रय केंद्र पर भेजा, जहां मौके पर पहुंचे एसडीएम ने किसानों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं नाराज किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्र संचालक के मनमाने तरीके से धान की ठीक से खरीद नहीं हो पा रही है। देखिए भाई, धान खरीद यहाँ पूर्वांचल में लेट से शुरू होता है, किसान हम लोगों का धान भी लेट तैयार होता है। दिसंबर में धान आता है, नवंबर से धान शुरू हो गया, 1 महीना तो हम लोग वैसे मार खा गए। ऑनलाइन की बात कही गई, हम लोगों ने ऑनलाइन करा दिया। ऑनलाइन कराने के बाद इन्होंने कहा टोकन ले लीजिए, हम लोगों ने टोकन लिया, टोकन को इन्होंने बात कर दिया ऑनलाइन नहीं, अब ऑफलाइन खरीदा जाएगा। ऑफलाइन खरीद हो रही थी, जब आधा समय बीत गया कि आधे किसान निपट गए, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं अब टोकन सिस्टम लागू होगा, और इन्होंने टोकन लागू कर दिया। तो 1 दिन या 2 दिन टोकन चला, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं 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 ऑफलाइन, फिर ऑफलाइन हुआ, अब 2 दिन ऑफलाइन चला, और इसके बाद जो है ऑनलाइन फिर करा करके फिर टोकन की व्यवस्था करा दिया। जो किसान एक एक महीने से यहाँ लाइन लगा के बैठे थे, आज टोकन का किसान यह हकदार हो गया कि हमारा पहले धान उतरे। ऐसी परिस्थिति में किसानों में संघर्ष हो रहा है और अधिकारी किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इस समस्या का अब एक ही समाधान है कि ऑनलाइन के जगह पर ऑफलाइन ही धान खरीदा जाए। ये सरकार ने जो नई टोकन व्यवस्था लागू की है, उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, क्योंकि जो किसान पहले से बिना टोकन के धान बेचने के लिए प्रतीक्षा रखे और वो फड़ पर खड़े हुए थे, उनका धान बिक नहीं पाया था, उसी बीच में टोकन सिस्टम आ गया। तो टोकन सिस्टम जब आया तो इसमें लगातार 2-3 बार बदलाव हो गया। सबसे पहले जैसे ही खरीद चालू हुई, 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का टोकन सरकार द्वारा जारी कर दिया गया। उसके बाद सरकार ने इस नियम में बदलाव किया, और बदलाव करने के बाद केंद्र प्रभारी को, जो सेंटर इंचार्ज था, उससे इस बात को मतलब कहा गया कि आप अपने से टोकन जनरेट करिए और बना करके रजिस्टर किसानों को बता दीजिए कि आप फलाने डेट को आइए और आपका विक्रय हो जाएगा, आपका क्रय कर लिया जाएगा। फिर अचानक 23 तारीख की रात को सरकार ने निर्णय लिया कि अब पुनः टोकन व्यवस्था से खरीद सुनिश्चित की जाएगी, और उसी के बाबत उसने 23 तारीख की रात से टोकन व्यवस्था जारी की 10 दिन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 23 तारीख की रात को 12:05-10 तक, जैसा कि किसान बता रहे हैं, और ये बात किसानों से ही पता चली, कि वो टोकन व्यवस्था जो है 10-7 तारीख तक के लिए पूरी तरह से क्षमतानुसार फुल हो गई। अब जब जो किसान टोकन पा गए वो तो बेचने के लिए एक आधार पत्र पा गए, और जो किसान टोकन नहीं पाए वो 10 तारीख के बाद के लिए प्रयासरत थे। इसी बीच में मौसम खराब होने के कारण प्रदेश सरकार ने 2 दिन बिना टोकन के ही खरीद करने की व्यवस्था लागू की, और अपने पोर्टल पर इस बात को दर्ज किया कि अस्थायी तौर पर टोकन व्यवस्था समाप्त की जाती है और पूर्व में जारी किए गए सारे टोकनों को निरस्त किया जाता है। अब जब पूर्व में जारी किए गए सारे टोकनों को निरस्त किया जाता है, तो ये सारे टोकन 10 तारीख तक के लिए, जो 7 तारीख तक के लिए थे, 10 तारीख तक के लिए थे, वो निरस्त हो गए। किसानों के बीच में एक अफरा तफरी का माहौल बना कि अब कौन सी नई व्यवस्था आ गई। और फिर सरकार ने 30 तारीख से पुनः टोकनिंग सिस्टम अपना जारी किया, और सरकार ने व्यवस्था दी कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक किसान अपना टोकन जनरेट कर सकेंगे, और उसकी क्षमता निश्चित कर दी कि 60 क्विंटल का ही टोकन एक बार लगेगा। अब इस व्यवस्था में बहुत से किसान प्रयास किए तो उन्होंने पाया कि जैसे तत्काल टिकट में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन मिलता है, तो ये 10:05-7 तक सारे टोकन सारे सेंटर्स के फुल हो गए। अब इसी बात को लेकर के किसानों में बेहद आक्रोश है, और इस आक्रोश का सीधा असर कार्य करने वाले कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कर्मचारी से मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, और कर्मचारी इतना आहत हो गया है कि वो काम करने की मनोदशा में रही नहीं गया है, कि वो स्वस्थ तरीके से सरकार की इस बहुत महत्वपूर्ण योजना में अपनी भागीदारी दे सके।